तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बजरिया शेखाना में पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित, विद्युत विभाग नहीं ले रहा शुद्ध, जनता परेशान। कन्नौज शहर के मोहल्ला बजरिया शेखाना में पिछले 24 घंटे से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित है। इससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग से शिकायत करने के बावजूद अब तक विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि विद्युत अधिकारी उन्हें 1-2 घंटे में आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन 24 घंटे हो गए हैं, अब तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। न ही कोई विद्युत विभाग का कर्मचारी मोहल्ले में लाइव चेक करने आया है। मोहल्ले वासियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि 24 घंटे से लाइट न आने से उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुके हैं, साथ ही मोहल्ले में भी अंधेरा पसरा हुआ है। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। आपका रहमान। रहमान जी, क्या समस्या हो रही है कन्नौज यहाँ से? आज 24 घंटे हो चुके हैं, हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आई है, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो अधिकारियों से आपने शिकायत की? अधिकारियों से बात हुई थी, वो बता रहे हैं 1-2 घंटा ऐसे 1-2 घंटे करते हुए ना जो है पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। अभी भी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आई है। तो अधिकारियों को कॉल लगाई तो क्या बताया? अधिकारी बता रहे हैं रुक जाइए, अब हम रुके हैं, देखिए अब कब तक रुके रहे हैं। उनके कहने से कोई पता नहीं, उम्मीद लाइट कब तक आएगी? अभी तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है लाइट आने की। अधिकारियों ने कोई आश्वासन नहीं दिया आपको? नहीं, अभी तो कोई नहीं दिया आश्वासन। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।